सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। देश भर में जहां लॉकडाउन जारी है और आमजन अपने घरों में ही रहकर कोरोना संक्रमण से बचाव कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूम भी रहे हैं। इसी को लेकर आज चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में सदर थाना पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने रिजर्व पुलिस लाइन से एक फ्लैग मार्च निकाला, जो कि कुंभा नगर, तेजाजी चौक, प्रताप नगर, फव्वारा चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी होता हुआ जिला राजकीय चिकित्सालय आकर संपन्न हुआ। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन में भयमुक्त वातावरण बनाकर घरों में ही रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ जीत हासिल करना है। वहीं इस फ्लैग मार्च का लोगों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। स्वागत करने वालों में नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, पूर्व सभापति नगर परिषद रमेश नाथ योगी सहित कई आमजन शामिल रहे। इसमें लगभग 100 जवान हैं और सामाजिक स्तर पर लोगों को शिक्षित करने के लिए कोरोना वायरस के संबंध में उसके दुष्प्रभावों को समझाने के लिए और पुलिस को सहयोग करने के लिए ये जुलूस निकाला जा रहा है, सॉरी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये पुलिस लाइन के गेट नंबर 1 से ले जाकर सांवलाजी चिकित्सालय के दक्षिणी छोर तक वहाँ तक निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।